नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, तो आज हम लोग होली पे बनाने वाले हैं चावल के स्पेशल पापड़। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को मैंने चावल में डाल लिया है। अब इसे हम अच्छे से धोएंगे। मैंने एक बार इसे अच्छे से धो लिया है। इसमें हम फिर से पानी डालेंगे। अब इसे हम आधे घंटे तक सोख होने तक रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कुकर। कुकर में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। जीरे को हमें अच्छे से कुक करना है। फिर इसमें हम डाल देंगे भिगोया हुआ चावल। चावल को मैंने कुकर में डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा चावल जीरे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। फिर इसमें हम डालेंगे तीखेपन के लिए लाल मिर्च पाउडर। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरह हम घर पर नॉर्मल चावल बनाते हैं, इसी तरह हमें इससे भी ऐसे ही बनाना है, पर इसमें हमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। हमारा चावल लगभग पक चुका है। यहाँ पे ग्रीन और केसरी फूड कलर लिया है। अब हम चावल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक में हम डालेंगे केसरी फूड कलर और दूसरे में हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें चावल को अच्छे से मैश करना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चावल को तीन पार्ट में डिवाइड किया है और एक पार्ट में मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है। अब मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट ली है और रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हम प्लास्टिक शीट पे अच्छे से लगाएंगे। फिर उसमें हम ग्रीन कलर की एक ऑयल लेंगे, उसे शीट पे रखेंगे। उसके ऊपर एक और प्लास्टिक शीट रखेंगे और किसी थाल की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे। अब प्लास्टिक शीट को हम हटा देंगे। हमारा पापड़ देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, गोल है और पतला है। इसी तरह मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर की भी लोइयाँ ली है। इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखेंगे और इसे भी प्रेस करेंगे। हमारा येलो पापड़ भी रेडी है। प्लास्टिक शीट को हम हटा देंगे। हमें शीट को आराम से हटाना है, नहीं तो पापड़ हमारा टूट जाएगा। इसी तरह करके हमें सारे पापड़ तैयार करने हैं। आप थाली की जगह को प्लेट भी ले सकते हैं। ये जो वो पापड़ जिसे मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया था, वो भी अच्छा है। मैंने यहाँ पर सारे पापड़ तैयार कर लिए हैं। एक पापड़ मैंने तीनों कलर को मिक्स करके बनाया है। हमें इसे दो दिन अच्छे से धूप में रखना है, फिर हमारा पापड़ तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा पापड़ तैयार है। इनका कलर काफी अच्छा आया है। और कुछ पापड़ों को मैंने नमकीन की तरह भी बनाया था, वो भी तैयार है। आइए अब मैं आपको
पापड़ को फ्राई करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं पापड़ कितना अच्छे से फूल रहा है। तो आप भी इसी तरह घर पर चावल से आसानी से पापड़ बना सकते हैं। ये जो पापड़ आप देख रहे हैं मैंने तीनों कलर को मिक्स करके बनाया था। मैं आपको अब नमकीन जो बनाई थी उसे फ्राई करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। हमारे पापड़ और नमकीन बिल्कुल तैयार हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।